और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर में मंगलवार शाम हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों के ओर से अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर में लाल बाजार इलाके में आतंकियों ने कल शाम को 7:15 बजे पुलिस पार्टी पर हमला बोला था, जिसमें पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, जबकि हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए पुलिस और सेना के जवान ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों की पहचान के लिए CCTV तस्वीर खंगाली जा रही है और बताया जा रहा है कि आतंकी हमले के वक्त बाजार में बहुत भीड़ थी, उसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने हमला बोला, जिसमें SI मुश्ताक अहमद को गोली लगी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ईद का आज तीसरा दिन था और काफ़ी लोग का मोमेंट था, फैमिली काफ़ी रस, बहुत ज़्यादा रस था, तो इस फैमिली जो रस को रेगुलेट करने के लिए ये बेसिकली कि ट्रैफिक लिटरेटर हम लोग का पुलिस का बहुत छोटा सा नाका था, जिसमें एक हमारे एक SI साहब थे, 2 सिपाही था, स्ट्रेंथ बहुत कम था, उसका फ़ायदा उठाया टेररिस्ट ने, कारनामे में हमला किया, अंधाधुंध आके फायरिंग कर दिया, जिसमें हमारे एक SI मुश्ताक साहब शहीद हो गए, 2 पुलिसकर्मी और जख्मी हैं। मैं अभी हॉस्पिटल से मिल आया हूँ, दोनों स्टेबल हैं और इसमें CCTV फुटेज का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जो उसमें पाया जाएगा उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर BJP के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने श्रीनगर में पुलिसकर्मियों पर हमले को आतंकियों की काराना हरकत बताया। इस हमले के पीछे उन्होंने पाकिस्तान का भी हाथ बताया। अपने आप को श्री मुश्ताक अहमद साहब ने एक देश हित के लिए अपना बलिदान दे दिया, पूरा देश श्री मुश्ताक अहमद साहब को नमन करता है, उनके बहादुरी के जज्बे को सलाम करता है और अन्य 2 साथी जो इस फायरिंग में, इस मुठभेड़ में घायल हो गए, उन्होंने भी वीरता का परिचय देते हुए इन आतंकवादियों को बड़ी आतंकी साजिश करने में विफल किया। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को हम कब्रिस्तान बनाएं, पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे और इन हमलावर आतंकवादियों को जमीन के पाताल से भी निकालकर इनको मौत के घाट उतारेंगे। पाकिस्तान मानवता का और इंसानियत का सबसे बड़ा कातिल है, पाकिस्तान के इन गुनाहगारों को चुन चुन कर इनको इनके गुनाहों की सजा हम देंगे। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ Google Play Store या App Store पर।